श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। काम री रे
हाय चीख ना पट पे हाय चीख ना पट पे हाय चीख ना पट पे हाय चीख ना हुआ है
उसने ये नया शहर जयपुर बसाया तो अपने नाम से इसका नाम रखा जयपुर। पहले आमेर होता था, तो कामा पहाड़ी से सीधा आमेर है क्योंकि वहां राजा राज करता था। अब उसको आकर के मिले तो उसका प्रण था रोज एक बकरा काट करके उसमें देवी का मंदिर बनाया, आज भी है। वहां चले जाना, चनामत प्रसाद न लेना, प्रसाद आज भी बकरे का कच्चा मीट ही मिलता है, और चनामत लोगे तो श्राप कर लेगा, कभी भूल से चले जाओ तो कहीं मंदिर दे के हाथ ना बढ़ा बैठना। तब उसने इंडिया गवर्नमेंट को भी लिख के दिया था कि मेरे इस देवी के वरदान से मैं आज दिन तक जिंदा बैठा हूं, आपको मैं राजपाठ सौंपता हूं, लिखो कि जब तक भारत के अंदर तुम्हारा राज है तब एक बकरा रोज देवी को चढ़ेगा, आज भी चढ़ता है। अब जो मांसाहारी राजा होगा, नशे में चूर रहता होगा, तीन चार दिन स्वामी जी वहां पर रहे पर चर्चा का अवसर कैसे बने, छोड़ के चल दिए। एक दो दिन रह के फिर कहां आमेर से कहां चले गए, सांगानेर पहुंच गए। सांगानेर में भी कोशिश की कि राजा क्यों, स्वामी जी राजाओं के पास जा रहे, आमेर के राजा ने कुछ ध्यान नहीं दिया, सांगानेर वाले ने भी चर्चा नहीं सुनी। मुकुंदा आप ध्यान देना, जब मोमिन वहां गए थे ना तो मुकंदास डर के भाग गया था कि भाई हमें नहीं, हमारे से ये काम नहीं होता। तो अब क्या करने लगा, पंडित था, उदयपुर जाके गीता और रामायण के पाठ कर करके पैसे लिया करता था, ये धंधा एक साल भर करता रहा। कहां चर्चा करने लगे और अब वहां पहुंचे सांगानेर में, सुना सोर लड़ाई का जोर। अब उसको पता चल गया कि स्वामी जी दिल्ली छोड़ के आ गए हैं, वो उदयपुर था और अब इधर को आ रहे हैं राजस्थान की तरफ, और इस तरह से जो है लड़ाई हुई है और 12 मोमन जेल में चले गए। अब ये उदयपुर से चलेगा स्वामी जी को मिलने के वास्ते, कहां से चले, तब वहां से चले आए पहुंचे आमेर। आमेर आ गया कौन, मैं सुन के रहे मुकंदास उदयपुर से चल के आमेर आया। बीजी साहेब जी की खबर सुनी, वहां उसको पता चल गया कि स्वामी जी आए थे और वो सांगानेर गए हैं। कहां राह बीच में, तब रहा बीच में एक बदल मिले। ध्यान देना, उदयपुर कहां से चला, आमेर से, और शेख बदल कहां से चला, दिल्ली से। क्यों, मोमनों ने चिट्ठी तो लिख दी कि स्वामी जी चले जाओ, इतनी नहीं अकल की कि भाई हम लिख तो रहे कि चले जाओ, खाना पीना कहां से होगा। उसमें चिट्ठी दे दी, जब तीन चार दिन बीत गए, लालदास कहते हो शेख बदल हम अकल पे पर्दा डाल दिए, स्वामी जी के पास तो ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे। तब शेख बदल कहते आप चिंता मत करें, घर गया 300 रुपया नकद भरा था, कह लगा चिंता ना करो मैं जाता हूं स्वामी जी के पीछे और 300 से तो कुछ दिन तो काम चलेगा फिर और प्रबंध करेंगे। वो 300 रुपया लेके पीछे 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 बेचारा भागता गया, स्वामी जी से मुलाकात नहीं होती। कामा पहाड़ी से आमेर, आमेर से सांगानेर, सांगानेर से आगे चल रहे हैं एक पूरा गांव, 28 मंजिलें हो गई, एक दिन भी खाया इतने कष्ट हमारे लिए राज्य उठाते। अब वो शेख बदल 300 रुपया लेके आ रहा था, अब मुकंदा से जो है दोनों दुखी पड़े सर, बिल्कुल भी तक समझे साफ दिखते हैं कि दोनों बेचारे बहुत दुखी थे। चौदह 28 दिन हो गए थे खाए हुए, पेट में इतनी भूख से वो तड़प रहे थे, घर में कछु ना पाइए है। कहते स्वामी जी कहते हुए मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो करते कहां से खाते, घर में पैसा नहीं था इसलिए हालत हो गई। जो मंगावे बाजार से, भाई बाजार से कोई चीज मोल लाने पड़ेगी तो पैसा तो देना पड़ेगा, वो पैसा था ही नहीं। शेख बदलने, अब दूर से शेख बदलने पहचान लिया वो स्वामी जी बैठे हुए हैं, कदमों लागे इन समय, अब आके चरणों लगते हैं। ध्यान देना, सुनने का प्रसंग है,
मुकुंदास आए मिले। मुकुंदास ने कहा भी स्वामी जी आ गए, ये शेख बदल तो धीरे धीरे चल रहे, मैं लपक के चलू भाग के। तब पंडित है ना बहुत, 420 होते हैं, भाग करके पहले पहले आ गया। थे वसनी रुपये 400 रुपए उसने रामायण भागवत के पारायण कर करके कमाए थे, वो कमर में बांध रखे थे। मोल मंगाए बाजार से 400 के 400 नहीं रखा, धीरे से 1 रुपया खसकाया और 1 रुपया निकाल करके सामान मंगाया। चलाकार स्वामी जी कहते हैं मुकुंदास के उस रुपए से 28 दिन के बाद हमने भोजन किया। ये पैसे शेख की गिरह में, ये ईमान देखो, हम हिंदुओं की महिमा गाते फिरते। शेख बदल के पास 300 रुपया था, रुपया 103। तुम सारा दिन रसोई में मत गुस्सा करो, इसे पड़ा करो। 300 रुपया वो लेकर के आया था, आगे रखे सब के सब आके चला के, स्वामी जी हमसे बड़ी भूल हो गई, दिल्ली में हम कह बैठे और बाहर में होश आई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता 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 ही रह गया, पर मैं आपको मिल नहीं सका, क्षमा कर देना हमें, इससे कार व्यवहार चलाओ, मैं उदयपुर और रुपया लेकर के आ जाता हूँ, मेरे आने तक उदयपुर छोड़ना नहीं। आप लगे बातें करने यकीन, अब पूरे यकीन के साथ ध्यान दो, ये तो हो गया। अब मुकुंदास खाना पीने के बाद बैठ के स्वामी जी को एकांत लेके स्वामी जी की परीक्षा लेता है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा ना जो मुझे इंसान के तन से देखेंगे वो मेरे पहचान क्या करेगा। अब मुकुंदास के दरा वचन सुनना, श्री जी साहब जी के दिल की बात ले। ये मुकंदा सोचता है देखें भला इनमें अब कितना दम है, देखें कैसी मसलत करते हैं, एक एक शब्द सुनो, देखें कैसी मसलत करते हैं, कितना दम इनमें अभी है। मुकंदा बैठा, स्वामी जी क्या लिया, अच्छे घर से सुंदर साथ आपके साथ थे, मुसलमानों की खाम खा मुसीबत गले बांध के, एक तो सब चले गए और बाकी को तुमने जेल में बंद करवा दिया। स्वामी जी कहते हैं भाई चलो हमने तो ये किया, तू तो साल भर से उदयपुर आया हुआ था, ये बता तूने चक्का सुना के कितनों को तारतम दिया। कहते जी तारतम तो मैंने किसी को नहीं दिया, फिर किया क्या है, रामायण और भागवत के पाठ सप्ताह है करता रहा, पैसे लेता रहा और मैंने किसी को चक्का नहीं सुनाई। और अब सुनो स्वामी जी कहते हैं कि तू क्या समझता है कि हम औरंगजेब को छोड़ देंगे या मुसलमानों को छोड़ देंगे, और इलाज करके मारूंगा मैं इनको, जड़ उखाड़ो बुनियाद जड़ उखाड़ से छुड़ा दूंगा, इसके बाद कोई भी मुसलमान राजा भारतवर्ष पे राज नहीं करेगा। जोर दे की हिम्मत, रामदास कहता है यार दम तो है, हौसला तो नहीं थोड़ा दम है, स्वामी जी का दम देगा। श्री जी के साहेब जी के मन में अब कहाँ को जाएंगे, क्या जाएंगे कहाँ कहाँ चले जाएंगे, देखो तो सही क्या हाल करता हूँ, विचार कहो हमसे, अब विचार करके कहो। इधर दरगाह पंथी बहुत है, स्वामी जी ने पूछा भाई तूने क्या काम किया है। कहता कि वहाँ उदयपुर में दरगाह पंथी रहते हैं, उनके किताब में आपका प्रमाण तो है पर मेरे कहने पे कोई माना नहीं, तारतम लिया नहीं, क्यों, साप्ताहिक पारायण भागवत के पैसा मिलता है, साप्ताहिक पारायण रामायण के पैसा मिलता है, मैंने किसी को चर्चा सुनाई ही नहीं क्योंकि उससे पैसा थोड़ा मिल जाता, मैंने अपना ही काम किया है। कहां आदमी मिले लाख, लाखों आदमी हैं जो प्रमाण देते हैं कि विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आने वाले हैं, धनी बाबे का पंथ है और उनका गुरु धनी बाबा है, उन्होंने पंथ चला रखा है, ये अपनी पूरे साथ और अपनी गुहाइयां देते हैं और कबीर कई साक्षियां देते हैं। ये बात सुन के, इस बात को सुन के मुकुंदास पर हुआ हुकम, ध्यान देना, कहने के मुकुंदास तुम मेरा दम देखना चाहते हो, मेरी ताकत देखना चाहते हो, तो एक साल वहां ना तेरे से किसी ने भी तारतम नहीं लिया,
अब सिर्फ मेरे हुक्म से जा, ये मेरी ताकत है। आगे तो अपनी मर्जी से गया था, अब मेरे हुक्म से जा, जाते ही चर्चा सुनाना और वो मेरे दर्शनों के लिए कह देगा जाओ स्वामी जी को बुला के ले आओ। तब अच्छा भाई ये भी देखते हैं। तब मुकंदास मलुक चंद जो था उसको साथ लेके वहां उदयपुर जाते हैं। भील दौड़े तीन पर, अब ध्यान देना कमर में क्या है, बोलो बोलो, ऐसे बंदे ना। तो भील जंगल के जो जानवर थे वो लोग रहते हैं ना उसको भील कहते हैं, और रास्ते जाते हैं वो लूट लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई मोटा सेठ जा रहा है, चलो लूट लो इसको। वो उनके पीछे भागे लूटने के वास्ते, बड़ी मुश्किल से हांफते हांफते जान छुड़ाई मुकंदास जी ने। मुकंदास विचार के आया उदयपुर गया लागो। उदयपुर नहीं महाराज, उदयपुर। उदयपुर पहुंच गया मसानी के यहाँ। ओ मसानी वहां पर जो था लाभ, उसके साथ घर चले गए और जाके चर्चा सुनाई। बस श्री जी साहब जी का भी परिचय ही कराया कि वो आ गए हैं। कहने गए मुकंदास, साल भर से तू आगे चर्चा सुनाता रहे, हम तेरी चर्चा नहीं सुनना चाहते, जा तू स्वामी जी को पहले लेके आ। इसने जब ये बात करी श्री जी साहेब जी के मिलाप की बात की कि जल्दी ले आओ उनके, हम दर्शन करना चाहते हैं। इन समय बनमाली दास, इस समय बनमाली दास आए खंबात से, खंबात से अपना परिवार लेके आ गया। धीरे धीरे जैसे सुंदर साथ को पता चल गया, तब सब सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे। संग अंबाई गोदावरी अपनी पत्नी और बहन को लेकर के आए पहुंची। इन समय आके यहाँ मुलाकात की, मुलाकात करी इन्होंने आके स्वामी जी के चरणों के दर्शन किए। तन मन धन जो कुछ लाए थे चरणों में रख दिया। मेला मोमिनों का हो चला, इस तरह से धीरे धीरे फिर मोमिनों का मेला जो कई छोड़ के चले गए थे या नहीं पहुंच सके थे सब इकट्ठे होने लगे। खुशहाल हुआ मन और मन बते सब के स्वामी जी के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। श्री भाई जी और साथ, ध्यान दो पहले भाईराज और साथ को कहाँ रखा हुआ था, अनुक्ष। जब ये लड़ाई मतलब मोमनों को भेजना था तो नूर शहर से हटा के कहाँ रख दिया, आगरे में। स्वामी जी खुद मथुरा में थे ताकि नजीक से खबर पता लगती रहे। मुकंदास आए पहुंचे, अब मुकंदास फिर आया वापस स्वामी जी से मिलने के लिए और कहा स्वामी जी मैंने तो साल भर बड़ा जोर लगाया और आपने कहा मेरे हुक्म से जाओ, वो तो जाते ही आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा है, आप चलिए। लादू मसानी तो तैयार बैठा है आपकी चर्चा सुन के तारतम ले लेगा। अपने धर्म को स्वीकार करने को तैयार है। इन्हें बुलाए तब, और उन्होंने ही बुलाया है, मैं लेने आया हूँ, खूब तैयारी कर रहा है, आप चलिए। बस स्वामी जी को लिया, उसने पहले ही स्वामी जी के ठहरने के वास्ते सारी व्यवस्था सब प्रबंध कर दिया। तब श्री भाई जी को बुलाए, तब अब स्वामी जी भाई राज और सुंदर साहब जो आ गए थे उनको भी बुला लिया कि आप वहाँ बैठे क्या करोगे, अब हमने आगे बढ़ना है, तुम भी आ जाओ। आप चले उदयपुर, अब उनको साथ लेके जो आगरे में सुंदर साथ था सबको लेकर के स्वामी जी उदयपुर जाते हैं। साथ सब संग चले, और जो भी सुंदर साथ था अब स्वामी जी के साथ एक जमात होकर के चल रही है। पीछे दजाल ने किया शोर, अब दजाल ने शोर क्या शोर किया, ध्यान से सुनो। लागू भाई के आए, अब जब स्वामी जी लागू मसानी के घर पहुंच गए, उतरे उनके घर में और उनके घर में आके उतर गए, आदर भाव किया। अल्लाह, उसने लाधु मसानी ने भाव से बुलाया था, इस वास्ते खूब स्वागत आदर के साथ स्वामी जी को बिठाया, खूब आनंद मंगल के साथ थाल बना के अरुगा रहा है। फिर लाधु मसानी के यहाँ, फिर लाधु मसानी के घर में मुकंदास दे खबर, मुकंदास को खबर दे दे भाई स्वामी जी आ गए हैं। उनसे मुलाकात करी, अब स्वामी जी उससे मुलाकात चर्चा सत्संग करते हैं। उन दिल में भई असर, और चर्चा सुनते ही दिल में चुभ गई बातें सारी।
तब उन्हें हवेली दी। तब उसने अपने घर के निकट हवेली दे दी। उतरे उन्हें ठहरे। तब वहां जाके ठहर गए। कहां चर्चा होने लगी। बस अब जहां स्वामी जी बैठेंगे चर्चा होनी है और कुछ संसारिक बातें तो होनी नहीं। फिर जो है चर्चा अखंड ब्रजा अखंड रस अखंड परमधाम सारी लीला का वर्णन शुरू हो गया। बात रही बात न हक बिना और एक राज्य महाराज की चर्चा के बिना कोई और बात ही नहीं होती है। नया मंडन हो चला नए तरह से एक जमात जो है बन गई। साथ आवत बीच इस्लाम और साथ आवत बीच जो जो चर्चा सुनता है तुरंत आकर के निजानंद संप्रदाय को स्वीकार करता है और तारतम लेता है। अब यहाँ पर स्वामी जी वेदांत और कुरान को एक करके बताते हैं कि भाई हमारे वेद शास्त्र पुराणों में ला कहा अक्षर कहा है तो कुरान में ला कहा है। हमारे यहाँ अक्षर कहा है तो उनको इल्लाह कहते हैं। हम अक्षर अतीत उत्तम पुरुष कहते हैं तो वो अल्लाह ताला कहते हैं। सिर्फ भाषा का अंतर है, बाकी जो है जो शास्त्रों पुराणों में वही कुरान के अंदर। उधर भविष्य की वाणी है, उधर कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा है 11वीं सदी में अल्लाह ताला दुनिया में आ जाएंगे, एक रूप करके बता रहे हैं। चर्चा होने लगी अब उदयपुर शहर के अंदर चर्चा का शोर हो गया कि भाई एक ऐसे साध महात्मा है, गीता से चर्चा सुनाते हैं, भागवत से चर्चा सुनाते हैं, वेदों से चर्चा सुनाते हैं और शास्त्रों से भी चर्चा सुनाते हैं। सब दीदार को आवत सब दौड़ दौड़ के दर्शनों को आते हैं चर्चा सुनने के बाद से। अपने साथ के लोग जो और अपने साथ के जो लोग थे ताके चित भए सन्मुख ध्यान दो, वो जो आत्माएं परम धाम की थी जिनके कारण से स्वामी जी उदयपुर गए थे वो धीरे धीरे जागृत होने करके जय राज्य पर यकीन लाने लगे। श्री जी साहेब जी के हाँ स्वामी जी के दर्शनों के वास्ते बड़ो जो पाए हो सुख है। जो भी आके दर्शन करता है क्या मतलब वाणी सुनता है मन की मलिनता जाती है तो मन प्रसन्न हो जाते हैं। राजपूत हवेली में जहाँ लादू मसानी का घर था ना बगल में दो राजपूत थे, वो दीवार के पास बैठ के चर्चा सुनते, उसके घर नहीं आते क्योंकि हमको चर्चा के लिए निमंत्रण नहीं। अरे भाई ब्याह शादी में निमंत्रण दिए जाते, मानो किसी को भूल भी हो जाती है तो ये ना कहो वाह उनके गुरु महाराज आ रहे हैं हमको निमंत्रण नहीं दिया। भाई ज्यादा है तो चर्चा सुन लो, उसके घर जाके ना खाओ, कहेगा तो उन्होंने कहा तुमने कहा नहीं था इसलिए नहीं खाते। चर्चा तो आत्म कल्याण की बात है पर राजपूतों का अहंकार अकड़ होता है। तब चर्चा बराबर सुन रहे हैं ये दीवारें इधर बैठ करके इनको तारतम की। आप जिस दिन स्वामी जी ने तारतम के अर्थ किए पहचान होगी फिर लोग लाज उतार के शरणों में आ गए। कुछ पहचान पहचान के बिना सुंदर साजी कौन किसी के सामने नमता है। इन समय नूर मोहम्मद सो आप इस समय नूर मोहम्मद सो हो गए मुलाकात। ध्यान देना लगातार अरे भाई ठहर तो समझाने दो। स्वामी जी वहां कोई बाथरूम नहीं होते थे, कुआं नहीं होता था, सारे राजस्थान में सबसे बड़ा ताल उदयपुर का है। वहां स्नान करने सुबह जाए करते थे तो मुसलमान भी आते थे, ताल ही एक है तो फिर वहां क्या होता। नूर मोहम्मद एक काजी था उससे मुलाकात हो गई। लगातार अरे स्वामी जी ताल पर भी बैठ के जो है चर्चा सुनाते तो उसको देखा कि ये मुसलमान है। स्वामी जी ने चर्चा करो बदल दिया। अब जब उसने चर्चा सुनी नीचे सुनी बात खूब अच्छी तरह से चर्चा सुनी कि 11वीं सदी में इमाम ने दिने आना है और ये वही बातें कर रहे हैं। ध्यान के साथ अब वहां क्या होता है वो किससे संग आया था, एक मुसलमानों की बारात आई हुई थी उसका वो काजी था नूर मोहम्मद। चर्चा दिन इस्लाम अब तब उन सब ने बैठ कर जब बैठ गए तो स्वामी जी ने विषय इमामती के आने का जाहिर कर दिया और सारी बातें कर दी। अब सब वो सुन करके यकीन लगे यार हिंदू हैं
माला पहने हैं, धोती पहने हैं और बातें आहलो जमा इमाम मेहंदी की कहते हैं। कुरान में जो लिखा है बात बिल्कुल सच्ची है। ईमान आया इन समय उनको यकीन पूरा आ गया। देख मोमिनों काम, मोमिनों का काम वाणी चर्चा सुन करके और भिक्खू सोनी आया। अब उसको ईमान आ गया। अब उधर एक भिक्खू सोनी जो सोने का काम करते हैं उसको सोने कहते हैं। उसने चर्चा सुनी, उसकी आत्म जागृत हो गई। और राधा रुक्मणी, राधा रुक्मणी नाम छोड़ो कहाँ तक चलोगे। घट्टू आया, मट्टू आया, फुल्ला भाई आई, फलाना है ना मिले पन्ने लौटो। अब जय जो सुंदर सा जिनके कारण से जो है स्वामी जी उदयपुर गए थे, जैसे जैसे वो आने लगे मन के संशय मिटेंगे, मन में यकीन आएगा, वो आत्माएं जागृत होती चली जाती हैं। उनके तन के भी नाम लिखे हुए हैं, जिसको पढ़ना हो कल खोल के पढ़ लेना। यो मास चार भये, चार महीने वहां पर कहां उदयपुर में रहते हुए हो गए। तो अब मोमनों की चिट्ठी आती है, जो साथ लड़े संग सुल्तान, जो सुल्तान के संग लड़ने वाले मोमिन बारह वहां पर थे दिल्ली में, इन्होंने अर्ज करी। अब उन्होंने चिट्ठी लिख करके भेजी के स्वामी जी हम बैठे हैं, जाहिर हो गए हैं, अब हमारे ऊपर जो पुरुष की निगरानी थी वो भी हट गई है। हम बाजार में घूमते फिरते हैं, सब लोग कहते हैं ये इमाम मेहंदी के लश्कर के आदमी हैं। हमारा परिचय सबको हो गया है, पर ना तो काजी चर्चा सुनता है और ना ही औरंगजेब बुलाता है। हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब कुछ काम नहीं है बुलाते नहीं, चर्चा ही नहीं सुनते, दशा निमाटे हमें यहाँ बांध गए। अगर आप हुक्म करो तो हम इनको छोड़ के आ जाएं। ये नीचे हम देखिया, ये मैंने निश्चय करके लिखा है, इनको नहीं ईमान। स्वामी जी कहते हैं ये तो मैंने अच्छी तरह से देखा कि इनका ईमान नहीं है, तो पैगाम को फेर दिया। इसीलिए तो पैगाम को फेर दिया। सुनाना हुक्म, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हुक्म किसका है, खुदा का हुक्म है, सुभान का हुक्म है। अगर ये मान लेते तो बात खत्म हो जाती। अब हम राह देखते हैं, हे स्वामी जी हम रास्ता देखते हैं, जो आपका हुक्म होगा। कोई हम घबरा नहीं गए, हमें तो और हम बैठे रहेंगे, हमें बैठने में कोई डर नहीं है। तीन माफक हम करें, हम उसी तरह से करेंगे जैसा आपका हुक्म होगा, जैसा लिख भेजो तुम। अब जो आप उत्तर दोगे वैसा ही करेंगे हम। तब पाती लिखी उन पर, तब स्वामी जी ने अब पाती लिखी, उठ के आई हो तुम, बस छोड़ दो, जब ऐसी बात हो गई है तो आ जाना, पर चोरी से नहीं आना। आने से पहले दो दिन शेख इस्लाम को जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको कह दो भाई काजी साहब हम जाते हैं हमें लगा दो। फिर वो उसे खुद नहीं लगा देगा, क्यों, वो बादशाह से लगा दे लाएगा, तो फिर बादशाह के सामने चले जाना, जैसे काजी रजा दिलावे तब आना। इन पर छोटा होएगा, और स्वामी जी कहते हैं मुसलमान कभी भी वाणी से जागृत होने नहीं है, इन पर कादर की कुदरत का डंडा पड़ेगा, तब जाके सीधे होंगे। पाती शेख बदल लिया, अब चिट्ठी कौन लेके आया, शेख बदल आया और चिट्ठी दे दी लालदास जी को, ये धनी का हुक्म है। दिल्ली में जब मोमिन दिल्ली में थे सुन के सुख पाया, और सुन करके जो है लालदास सब मोमिन बड़े परेशान हो गए, अब धनी बुला रहे हैं तो अब चलते हैं। दिल हुआ रोशन, दिल बहुत प्रसन्न हो गया, जाए शेख इस्लाम पे, किसके पास गया, लालदास शेख इस्लाम के पास गया कि शेख साहब अब हमें हुक्म करो, हम अपने हाथी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि चार महीने हो गए हैं ना, तो अब आप कोई कुरान की बात करते हो ना कोई औरंगजेब हमारे से बात करता है, तो भाई हम बैठे बैठे यहाँ क्या करेंगे। तब काजी ने कहा, तब काजी ने कहा देखो भाई मैं क्यों अल्लाह ताला के दरबार का गुनाहगार हूं, मैं औरंगजेब को जाके कहता हूँ, फिर एक दिन डाल के फिर मैं सब आम पब्लिक को भी और बड़े बड़े सबको बुलाऊंगा, बादशाह जब तख्त पे बैठेगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बातचीत सारी मैं करूंगा और तुम्हें रजा दिला दूंगा, छुट्टी दिलाऊंगा। तब एक दिन बीच डाल के सारी व्यवस्था करके ले चला हजूर, ले चला बादशाह के सन्मुख, सुल्तान सामने खड़े किए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बादशाह तख्त पे बैठे, सर जितने वजीर वगैरह थे सब है वहां लेकर के शेख सुलेमान आ गया, कहता हजूर ये वही मोमिन हैं
जो इमाम मेहदी के आने का पैगाम लेके आए थे और वो सारी रिपोर्ट मैंने आपको लिख के दे दी है। अब ये जानना चाहते हैं जो आपका हुक्म हो सो करो। ये विदा होता है, ये विदाई लेना चाहते हैं, अपने ठोर हाथी के पास जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने लड़ाई करी सरे मां, जो जिन्होंने आके शरा से कुरान के साथ लड़ाई करी है और सारी वो फाइल आपके पास पहुंच चुकी है। तब काजी ने कहा, तब काजी ने क्या कहा, यही मोमिन उस दिन, ये ही जो है मोमिन है इमाम मेहंदी आदमी के, तुम सो दिन मजकुर जिन्होंने रूबरू खड़े होकर के आपसे बातें की थी, ये ईमान मोमिन और ये पक्का ईमान जो है लेकर के आए हैं। एक ऐसा में सुल्तान ने अब औरंगजेब नजर उठा के मोमिनों की तरफ देखता, शर्म से मार रहे हैं। अब खुदा की तरफ हाथ उठा के आपने देखो तो मुसलमान हमेशा दोनों हाथ उठा के वो आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं हे अल्लाह ताला खैर करो, खैर करो, जिसको हम कहते हैं ना हे राजी मराज मेहर करो, तो वो उसको कहते हैं हे अल्लाह ताला खैर करो। सिर नमाए देखिया, ध्यान से कैसे देखा, अच्छा आप लोग मोमिन है सिर उठा के नहीं देखता, हे अल्लाह ताला इन पर मेहर रखना खैर दो इनको। 100 रुपया खर्च, आप जो है जान जी को कह रहे भाई जा रहे रास्ते में पता नहीं कहाँ जाएंगे, 100 रुपया खर्चे के रास्ते दे दो। तो मोमिन कहते हैं बादशाह सलामत अभी क्या लेनी है, कहने के भाई हम कौन है देने में, भेंट आपके चरणों में रख रहे हैं और उसको तो उस प्यार से स्वीकार कर लो। तब लाल लाल एक सुंदर साथ को कहते हैं मुझे भेंट रख ले तो चलो ले लो। जब राजा नहीं सुल्तान ने, बादशाह ने कहा भाई अच्छा अगर आप जाना चाहते हैं तो जाओ, बकायदा रजा लेकर के अब चले। अब 5 सुंदर साथ दिल्ली के थे और 7 सुंदर साथ बाहर थे, तो दया हमारो सुंदर साथ कहते हैं जबरदस्त प्लीज एक दिन के लिए और ठहर जाओ, हम घर वालों को कह आए कि तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए, आज रो लो हम लौट के तुम्हारे घर में नहीं आने वाले हैं, क्यों तुमने हम जेल में गए थे तो तुमने सारे शहर में कहा था हमारे भाई मुसलमान हो गए, तो भाई हम मुसलमान अच्छे तुम हिंदू पंडे अपने घर में बैठो। लाल दास कहते भी हम एक दिन के इंतजार करें, हम तो रहे चल तुम पीछे पांचों मिल के आ जाना। बस लाल दास जी और जो बाहर के साथ सुंदर साथ थे वो स्वामी जी के चरणों में एक दिन पहले आ गए और ये एक रात दिन बाद में आ जाते हैं। मुलाकात करी श्री राज, बस श्री जी के चरणों में जब आके प्रणाम किया तो एक आंसू होते हैं दुख के और एक आंसू होते हैं खुशी के, स्वामी जी गले में लगाते हैं, खूब प्यार इतना उमड़ा है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख बदला शामिल हुए, बस ध्यान दो उसी समय स्वामी जी ने कहा सबसे पहले ये कपड़े उतार, भाई वो तो काम करना था इसलिए मुसलमानों की पोशाक पहनी थी, अपने पूरे वस्त्र पहले वाले जो धोती हवा इत्यादि था तुरंत वो बदलवा दिए, इस्लाम के और सुंदर साथ में शामिल हो गए। एक लक्ष्मण भीम भाई, कौन कौन था, एक लालदास जी भीम भाई, श्यामदास खिमाई और श्यामदास खिमाई भाई, श्यामलदास गरीबदास, श्यामलदास कौन सा श्यामलदास, वो चिंतामणि उसका नाम श्यामलदास था, और गरीबदास कौन, वो नागजी जो था, और संग लालबाई, और लालबाई भी साथ आई, श्याम भाई राम भाई, हमने तो अकेले जाना हो हवाई जहाज के अंदर अकेले कैसे जाऊं, और लालबाई मुसलमानों में रहती है और मोमिन आए वो भी साथ आती है आके चरणों लगी, पहुंचे कदम चरणों में आ गए, मिलते ही सुख पाया, मिल करके दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई, इनो सौंपी आत्मा, आपके राज्य के चरणों पर शीश रख दिया। इन समय उदयपुर में, अब इस समय उदयपुर में जब मोमिन आए तो समझिएगा जोश आता है, जोश में चर्चा करते हैं, बड़ो होया चर्चा को पूरा, देवपुर पे पूर एक एक बात के कई के प्रकार से ग्रंथों के प्रमाण दे जा करके जो है चर्चा करते हैं। अब इसका शोर सारे शहर में हो गया कि ये कौन है,
गीता वाले को गीता से सुनाते हैं, भागवत वाले को भागवत से सुनाते हैं, वेदों वालों को वेदों से बात करते हैं, शास्त्र वालों को शास्त्रों से चर्चा सुनाते हैं। भाई ये सर्वदेशी सर्वलायक चर्चा है, सारी दुनिया भाग भाग के चली आती है दर्शन राज के हो ही। और जब कई बार इतना आवेश भी आ जाता है, राजी के दर्शन भी सुंदर सात को होते हैं, बड़ा रोशन हुआ जब हुआ। अब वहाँ जो है वाणी का खूब खूब प्रचार हुआ, साथ आहेड़ का आया। और आहेड़ एक गांव था उदयपुर के पास, वहाँ से भी लोग आके चर्चा सुनने लगे, और जो आत्मा वहाँ की थी उन्होंने भी तारतम लिया। और मोटी बाई फिर पै कह दो कुंजा बाई, फिर कह दो फूला बाई, नाम पढ़ने की क्या जरूरत है। ये उन सुंदर साथ के देह के नाम है जिनके खातर स्वामी जी वहां गए और आत्मा को जगा दिया, चरणों में आ गए। मस्करीराज सो करे अब बैठ जाते तो जब हंसते खेलते भी तो राजी से मस्करी भी करते हैं, मजाक की भी बातें होती हैं। खुशखबरी रात सो पाई और राजी से खुशखबरी भी पाते हैं कि बस अब जागने के दिन आ गए हैं। राणे ने ये बात सुनी, आप ध्यान करो ये पासा बनता, अब ये बात राणा जो उदयपुर का बादशाह था उसको राणा कहते थे, उसने सुनी दरबार में। और इतिहास उठा के देखो, पहले जो हिंदू राजा थे ना अपने दरबार में ब्राह्मणों को रख के पारायण करवाते ही रहते। कुछ पंडित थे जो रामायण का पारायण करते थे, कुछ पंडित थे जो भागवत का पारायण करते थे, उन्होंने भी चर्चा सुनी। अब तो राजा जब बात करने लगा तो पंडितों ने कैसे कहना कि ये ठीक है, कहने लगे जी हम भी चर्चा सुनने गए थे, गए कभी भी नहीं, और वो तो अल्लाह अल्लाह कह रहे थे, कहता नहीं ये झूठ बोलता है, मैं गया था वो शास्त्रों की चर्चा कर रहे थे। एक के एक दूसरे से बात, कोई कुछ कहता है दरबार में, कोई कुछ कहता है, सो जाओ और रोज दरबार में आकर के सुने। कोई तो स्तुति करता है, नहीं महाराज ऐसा ज्ञान तो कभी हमने सुना ही, कोई निंदा भी करता है स्वामी जी की, कोई कहे बड़े संत है, कोई कहते हैं महाराजा बड़े बड़े संतों की हमने चर्चा सुनी है, इन जैसा ज्ञान कहीं सुना, उनकी महिमा गाते हैं, इनके अनंत लोचन, इनके अनंत लोचन है, अर्थात इनको हर ग्रंथ के ज्ञान का पता है। कोई कहे ये ठग है, कहना के महाराज गुरु किया है कैसे ठगता फिरता, अपनी अपनी दृष्टि है, कोई स्वामी जी को ठग भी बताता है महाराज पैसा बटोर रहे हैं ये तो कथा सुना के, आज ये ऐसा भेष बनाए फिरते हैं, ठग हैं पूरे लुटेरे हैं। कोई कहे मुसलमान है, क्या कहता जी मैं तो जब कथा सुना सुनने गया था अल्लाह अल्लाह मामन मामन कर रहे थे, ये औरंगजेब का कोई दूत है मुसलमान है, ये ऐसी ऐसी बातें स्वामी जी, तो हमारे ऊपर आरोप लगते तो कौन सी नहीं बात, ये तो होना ही है, तुमको मुसलमान करने। और हे राजा तुम ना चले गई हो, औरंगजेब ने दूत भेजा तुमको मुसलमान बनाने के वास्ते, कहे वचन बिन पहचान, बिना पहचान के अनाप सनाप अनर्गल बकवास करते हैं सारे, कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहते जी हम तो चार बार गए थे कुरान ही अल्लाह की चर्चा हो रही थी, कोई कहे वेद कहते, कहते जी ये झूठ बोलता है, मैं गया था बकायदा वेदों के प्रमाण से गीता का सुना रहे थे, इन बात राणे आगे, इस तरह से राणा के आगे जब ऐसी खटपटी की बातें हुई, राणा ने सोचा भी मेरे दरबार में ऐसा हो रहा है कल को कोई ऐसा फसाद ही ना हो जाए, वो पंडित जो दरबार में बैठे उनको कहा ए पंडितों कल तुम चर्चा सुनने जाना और सुन के सार आके मुझे बताओ कि क्या हकीकत की बात है। वे तो आए पिटारथू, वो तो आए पिटारथू थे उनको क्या मतलब था, साप्ताहिक पारायण चुटकी मार करना पहले ना भागवत लौट देना, अपन ने भागवत के कहते ही साप्ताहिक सात दिन में कोई माई का लाल भागवत को पढ़ के दिखाए मैं उम्र भर उसका सेवक बन जाऊं, एक एक सकंद का सार ले रखा होता बाबू पढ़ दिया और जय जगदीश हरे, लो जी 65,000 ये होता है साप्ताहिक पारायण,
नहीं तो भागवत एक एक शब्द कोई श्लोक के साथ पढ़े तो पढ़ भी नहीं सकता साथ देंगे। पर वो तो पिटारतू थे, पैसे का मतलब होता था। अब जिस वक्त वो आए चर्चा में बैठे, इन्होंने ही काम आत्म का कोई मतलब ही नहीं था कि उस भाव से आके चर्चा सुनते। देखी तो चर्चा बड़ी, अब स्वामी जी को परचक रहे थे कि स्वामी जी राजा के दरबार के पंडित लोग हैं। ठीक है, अब महाराज ये राजा बिठा दिया। अब स्वामी जी ने उस हिसाब से जो है ज्ञान के हिसाब से चर्चा सुनाई। अब पंडित हो गए हैरान, यार हम इतने रामायण के पारायण कर चुके हैं, ये कहां से चपैया निकाल रहे हैं। नेति नेति यही वेद निरूपा निजानंदनी उपाधि अनुपा शंभु विरंज विष्णु भगवाना उपजय जासो अंशते नाना, ऐसी ऐसी बातें फिर भागवत की खोल के और सब ग्रंथों का सार जब जाहिर किया। भागवत के तब कहे पंडित जी महाराज, स्वामी जी कह रहे आप राजा के दरबार के बड़े प्रमुख विद्वान, हमें श्रीमद भागवत का इतना कोई अर्थ आता नहीं है। ये 40 प्रश्न हैं, जरा आज इसकी चर्चा हमारे सब जो अनुयायी हैं उनको भी सुना दो। 15 वेदांत के सुनाए काना, और 15 वेदांत पक्ष के दे दिए कि महाराज आप तो वेदों के आचार्य हो, ये कुछ वेदांत की बातें हैं कि अपश्रात परता परा इति परब्रह्म वो क्या है, जरा भेद तो खोल करके बताओ। और फिर पूर्ण मदा पूर्ण मदन पूर्णनाथ कि ये किस तरह का भेद है कि वेदों में लिखा है वो एक है। बोलो भी बोलो साफ चेत हो जाओ अकाउंट बनाने वाले, एक माथी एक गया क्या बचा, बोलो एक में से एक निकाल दो क्या बचा। वेद कहता है कि वो ऐसा एक है कि उसमें से एक निकाला है फिर भी वो एक का एक पूर्ण है। पंडित जी महाराज इसका जरा भेद बताओ। ऐसे ऐसे 15 वेदांत के क्वेश्चन हैं जो तारतम के बिना कोई जान ही नहीं सकता। कई सोचोगे अच्छा महाराज जी ये तो बता दो एक बार से एक क्या निकला, अक्षातीत में से पूर्ण अक्षातीत में से पूर्ण सतंग निकाल लो, अक्षब्रह्म पूर्ण है ना, अधूरा तो नहीं सत्ता की शक्ति का, निकाल दिया फिर भी राज्य तो पूरे के पूरे हैं। जवाब ना उनको आप पंडित कहां से जवाब देवे। अब भरी सभा के अंदर कहने लगे भाई स्वामी जी हम तो इनका उत्तर नहीं दे सकते। अब जब सब ने सुन लिया अब ध्यान देना क्या होता है, तब सब मिल के विचारिया। अब प्रसाद लिया पंडित इकट्ठे हुए, कहने लगे बच्चों अब क्या करोगे, अब राजा को अगर किसी ने कह दिया कि पंडितों ने एक भी प्रश्न का उत्तर दिया नहीं तो कल को खाना पीना बंद हो जाएगा, भूखे मरोगे, ये कैसा महात्मा यहां पे आ गया। कहने लगे अच्छा अब ऐसे करो, जुदा जुदा नहीं राजा को कहना, बोलना तो झूठ है, बोलो क्या कहना है ताकि तुम भी वही बात कहना हम भी वही बात करेंगे, कोई ना कोई झूठ बना लियो। ये तो बुरे वैरागी, ये तो बड़ा वैरागी संत पता नहीं कहां से आ गया है, हमारा बनेगा रोजगार, हमारा ये धंधा बंद कराएगा, इनकी निंदा कीजिए। तो भाई एक इलाज है राजा के कानों में इसकी निंदा भरो, तुम सब मिल हो खबरदार, सब मिल खबरदार हो जाओ, ये नहीं कि मैं कुछ कहूँ तो कुछ कहे तो कुछ कहे, जो मैं कह दूं तो भी सारे पीछे कहना, इनका बड़का ब्रह्मा। अब स्वामी जी कहते हैं पंडितों पर कभी भी दुखी होना नहीं चाहिए क्योंकि इनका बड़का कौन है, ब्रह्मा जी हैं। जब गर्भ स्तुत करें, ध्यान दो कहते वही ब्रह्मा कि जब विष्णु भगवान गर्भ में थे तो बघेला जब बाहर निकले और रक्षा तीर बैठे तो परीक्षा लेने आया था, ब्रिज की लीला का वर्णन कर रहे हैं, भूल बड़ी दिल भरी और दिल में भूर थी, उसी की तो संतान है पंडित, तो इनकी अकल पर कभी भी अफसोस करना नहीं। गर्भ में पहचानिया, गर्भ में पहचाना, भूल गया बाहे, और बाहर जब आए तो परीक्षा लेने आया फिर भी मत्था टेकने आया, सो भूला आज लो, तो आज दिन तक वो भूल भागवत में पढ़ी जाती है, सब में वही जाने, और सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा का दिमाग ऐसा था। दूसरे रुसे स्वर ध्यान दो
ये प्रमाण दे रहे कि दूसरा जब आपन ब्रिज में आए थे ध्यान दो तो श्री कृष्ण कन्हैया ग्वाल बालों के साथ वन में रमते थे तो वहां ऋषि मुनि क्या कर रहे थे ओम कृष्ण परमात्मा ए नमः स्वाहा पार ब्रह्माय नमः स्वाहा। राजीव वहां खड़े ग्वाल बालों को कहते यार हमारे नाम की आहुतियां डाल रहे हैं हम यहां बैठे हैं जो इनका यज्ञ जो है सफल कर दो। अब ब्राह्मण लोग तो बड़े कर्मकांडी लोग होते और वस्त्र उतार के जनेऊ डाल के और हवन कर रहे थे ग्वाल बाल चले गए। कहते हैं अपन तो रुक जाओ कहते पर हटर मारा थप्पड़ रखे भाई को दिन कहां आ गए। अरे भाई जिस पार ब्रह्माए नमा स्वाहा कर रहे हो वो सामने खड़े उन्होंने तुम्हारा यज्ञ स्वीकार कर दिया है अब यज्ञ कर दो बंद और खाने के लिए जो है दे दो। कौन देता है अकल कहां से आए उन्होंने दिया नहीं। अब जाके ग्वाल बाल कहते हैं जी वो तो नहीं देते कहना कि इन्होंने पहचाना नहीं इनकी जो पत्नियां हैं ना वो हमारी गोपियां जब उन्हें जाके कह दो कृष्ण कन्हैया ने मिठाई मंगाई है क्योंकि यज्ञ के बाद तो मिठाई खिलानी है ना ये यज्ञ करते रहने दो इनको अपन मिठाई उड़ाते हैं। अब ग्वाल बाल चले गए गोपियों के पास गोपियों को जाके कह दिया देखो भाई आगे तो तुम दर रोज लेके जाते हो ना आज कृष्ण कन्हैया ने खुद मिठाई मंगाई है। गोपियां कहते हैं ये ले भैया की वार खोल दिया जितना तुमने लेना है ले जाओ। अब वो तो आ गई कामकाज में लग गए। अब राजीव महाराज से कृपा क्या हुई कि सारे थान जितने भी पंडितों के घर बनने पड़े थे सारे ले गए वन में। अब कितना तो खाते मोरों को डाला पक्षियों को डाला हिरणों को डाला खा लो यज्ञ की मिठाई है। अब सब थाल थूल उधर अब यज्ञ हो गया सफल। पंडित ने 10,000 पंडितों ने ब्राह्मणों को बुला रखा था भोजन कराने के लिए बिठा दिया है पत्तल परोस दिए बर्तन रख दिए कलंग बजाओ किवाड़ खोलो मिठाई लियो अंदर एक भी थाल नहीं मिठाई का। अब जब उन्होंने कहा गोपियों से अपनी पत्नियों से पूछा अरे मिठाई कहां गई जी हमें क्या था? तो फिर कहने लगे हमने इतना जरूर देखा है जब आप कह रहे थे ना कृष्ण परमात्मा नमो नमः स्वाहा तो थाल उड़ उड़ के जमुना तट पे चले गए जाके ढूंढ रहा हूं। तो फिर उनको गुस्सा तो आना था पत्नियों को ध्यान देना मारते मारते अपने पतियों को चलो आज तुम्हें जमुना तट पे छोड़ के आएंगे ले तब राज्य अच्छा रुक जाओ तुमने पहचाना नहीं केवल मंत्रों का जाप करते रहे उन्होंने हमें पहचाना तो दंड देते हो जाओ जब तक ये निर्माण रहेगा ये ब्रिज और गोकल में रबड़ी मलाइयां बना करके बेचेंगी और तुम इनके झूठे बर्तन मलते रहोगे। आदि मथुरा में पंडे या तो रोटी पोते या बर्तन मलते हैं और गोपियां बैठ के रबड़ी मलाइयां बेचती हैं ये वो शराब है समझी कहते ये अकल के अंधे पंडित हैं इन पर अफसोस नहीं करना चलो आज लो ब्रह्मांड में और आज तक भागवत के अंदर ये सारा लिखा है पढ़ लो चर्चा हो जाके मोमिन और मोमिन इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं वो कभी भी पंडितों पर विश्वास करेंगे नहीं। ध्रुव बड़का इनका हाँ ध्रुव जो है इनका बड़का कौन है ध्रुव है लात मारी छाती भगवान भृगु 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 ध्रुव नहीं भृगु। अब पंडितों की एक बार मीटिंग हुई कहने लगे भाई सारा ब्रह्मा की पूजा करें विष्णु की करें शंकर की करें गणेश की करें तो उन्होंने भृगु को कहा भाई तू जा सबकी परीक्षा ले। तो अब जाता है पहले विष्णु भगवान की परीक्षा लेने तो भगवान विश्राम कर रहे थे परीक्षा देखो कैसे लेते हैं पंडित तो सोते हुए भगवान की छाती के ऊपर जाके टांग भरा है सो रहा है उठ के खड़ा हो जा चलो भाई स्वामी जी कहते हैं तब वो एक श्लोक भी है हा? कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना उस समय क्या प्रभु कहा गया जो भृग मारी छाती ला उठ के खड़े हो गए और भृगु के चरण दबा गए महाराज मेरी छाती कठोर थी आपके चरण कमल थे आपको पीड़ा हो गई होगी
स्वामी जी कहते हैं ये भृगु जो है ना इनका दादा है, तो दादे की नस्ल की तो आगे पोत पोतरे होते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, क्यों प्राय माल खाते, तो अकल कहां से आएगी, इसलिए कभी पंडितों पर गुस्सा नहीं करना। असल माफक पहचान, असल माफक ही तो नकल बनती है। इनो जाए रानी आगे। अब वो जो पंडित थे वाणी सुना रहा हूं मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं रहा। अब स्वामी जी कहते हैं ये बताओ ऐसे पंडित जाके कहीं गुण गाएंगे, जाके दूसरे दिन दरबार में गए तो राणा ने पूछा क्यों भाई कैसी बात है, अब सुनना। लगे निंदा करने ये भैया कि किसी न काम के, कहते हैं राजा अच्छा है तू नहीं गया, कुछ नहीं आता, अनपढ़ सा आदमी है, इधर उधर की ठोका ठोकी करके कथा पूरी कर देता है, कभू न देखिए इन्हें और कभी शक्ल भी नहीं ऐसे की देखनी है, दर्शन करने भी ना जाना पाप लग जाएगा। और दूसरे अंकुर, और दूसरा अंकुर है, बिन अंकुरे क्या करें सुख लिखे न डाले माए, तो फिर वैसी राजा का तो विश्वास पंतों पर था, उसके कहने पर कहा ठीक है जब तुम उनको निरख पर खाए तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा स्वामी जी कहते हैं राजा के अंदर परमधाम की आत्म नहीं थी, इस वास्ते रानी को शुद्ध कहां से आती, पहचान कहां से आती, सामने आता चर्चा सुनता तो कुछ आत्म जागृत भी होती। यों करते एक दिन राणा चला ताल पर, ध्यान देना क्यों चला राणा ताल पर उसका भी भेद सुन। श्री जी साहब, अरे भाई जल्दी क्या है, अब उधर से वो जो पीछे मोमिन थे ना वो भी आ गए और इधर मुकंदा से, अब जो भोजन होता तो एक ही पंगत में होता था, तो मुकंदास उन मोमनों के पंगत में बैठता नहीं समझे कि ये मुसलमान हो गए, तो धीरे धीरे दूसरों को अरे जब इनकी पंगत लगे ना उनमें मत बैठो ये मुसलमान है। अब धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते बुस होती स्वामी जी के कान में पहुंच आए, उनको चोट लगा कि मेरे आशकों से ये घृणा करते। वो लालदास को बुलाया, लालदास सवेरे उदय पड़ताल पे चलेंगे, 9-10 नाई जो होते हैं ना उनका प्रबंध कर दो, वो वहां मिले और सबको फकीरी लिबास बाबा जी बनाना है, चिरक भेष बनाना है, और ये जो मुकंदास लाल लाल साफे पगड़ियां बांधते हैं ना सवेरे इसका टोटल हिसाब करेंगे। अब स्वामी जी ने सुबह उठते माताओं बहनों को कह दिया भाई राज तुम इनके साथ यहां रहो, हमने आज ताल पर जाना है, अब वहां जाके खूब जो है मुकंदास को खड़ा किया, कहने भी जरा खड़े हो जा तू कहां का मोमिन है, तू बन गया हिंदू जो राज्य के नाम पर कुर्बान है तू उनसे घृणा करता है, खूब उसको भटका जो और सुंदर सा से कह दिया कान खोल के सुन मेरे साथ यहां रहना मेरे जैसे बन के रहना होगा, नहीं तो ढाल बोरी बिस्तरा भाग जाओ यहां से। तब स्वामी जी खुद उठे पहले नाई से अपना मुंडन करवाया और फिर चिरक भेष लोटा और बस अपना जैसे साधुओं के कपड़े होते हैं वो ले लिए और सबको कहा जिन्होंने मेरे साथ रहना मेरे जैसे बने। तब लालदास वगैरह को क्या था बाल रहे ना रहे पड़क से गए सिर मुंडवा दिया फकीरी लिबास पहन लिया। अब मकान अभी ये तो रामायण करके साफा लिया था, ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े थे, रोए धोए हुए खुश है, रो धो करके क्या करते, अब जब स्वामी जी ने कोरा चक दे दिया भाग जाओ घरों में कहां जाते मुंडवाए से। अब क्या हुआ एक जैसे सिर एक जैसे बाल घोटम घोट, अब सामने से ना देखे तो बैक साइड से पहचान ही नहीं होती थी ये मुकंदास है कि लालदास है कौन है। इन समय पठान सौदागर, अब उधर क्या होता है राजा है वो भी एक दिन ताल पे आया, तो जब वहां आया तो देखा कि ये तो वही साधु हैं, दर्शन नहीं कर लिए इनके,
तो सिर पे मुंह का कपड़ा लपेट लिया, भेष बदल के आया। किरण तन थोड़े सुने रास के, अब उधर क्या होता है, आपको पहले बताया ताल एक ही होने के कारण से सब वहीं जाके स्नान करते थे, तो मुसलमान लोग भी कुछ आए वहां पर नहाने के लिए। दूसरा मुराद खान, एक मुराद खान था, अब्दुल नबी उसठा, अब्दुल नबी था, ये मुसलमानों के नाम है, और अलादाद खान, और एक अलादाद खान, एक कबल खान था, और एहसान था, अलियास खान और नवाब खान, और महीन को भाई, और महीन को पहचान हुई। अब वो जब रात वाले लोग चलने लगे तो अव्वल खान नूर मोहम्मद से पूछता है, क्योंकि वो काजी था, कि काजी साहब ये बताओ ये वैरागी कौन है, तुझे अल्लाह की कसम है। नूर मोहम्मद कहता है देख भाई तूने अल्लाह की कसम डाली है, तो जो कुछ कुरान में कहा था कि 11वीं सदी में इमाम मेहंदी अल्लाह ताला आएंगे, ये वैरागी जरूर हैं, लेकिन ये इमाम मेहंदी साहब हैं। तो फिर अव्वल खान कहता था फिर आगे क्या करने जाना, तुम जाओ मैं उन्हीं की खिदमत में जाऊंगा। अव्वल खान आता है, आकर के कहते हैं स्वामी जी जरा अपनी पहचान करा दो। अब वो कुरान से पहचान कराते हैं आयतें बोल करके, और क्या कहते हैं, अरे भाई मोहम्मद और मेरे बीच में आए कौन, मैं वही हूं जो अर्ब में रसूल बन के गया था, और वही मोहम्मद साहब ने कहा था जब अल्लाह ताला आएगा मैं उनके साथ। बस ये बात सुन के घोड़े को था, घोड़े को चाबक से चलाते ना, और लेकर के रबने को लगा मारने, और कमबख्त मेरे कानू अल्लाह ताला की आवाज सुन के तुमने पहचाना नहीं, और मेरी अंधी आंखों लगा मुंह के थप्पड़ मारने कि मेरी आंखों तुम दृश्यदार सके संबंधियों को पहचानते हो, उस खुदा को नहीं पहचाना। तब स्वामी जी ने सुंदर साथ को भेजा, रहे इसको उतार लीजिए ले आएगा। तब शांति से उसको बिठाया और कहा भाई तू डरता क्यों है, क्यों इतना घबरा रहा है, तू परम धाम की आत्म है। तब उस अव्वल खान ने वहीं पड़ताल पर ताल तम लिया, फिर गया वो वहां पट का नाम चले, तब वहां पट का काम चले नाम नहीं, बैठ करके क्षारक शक्रातीत का वो वर्णन स्वामी जी कर रहे थे, लिखा और स्वामी जी खुद दिखा रहे थे, मुकुंदास दरोगा रहे, अब मुकुंदास का अब अकल ठिकाने आई, अब वो आगे बैठ के सब काम करता है, बैठा था इनका इस काम के वास्ते, आए पठान मिल के, वो पठान मिल के आए करने को दीदार, दर्शन करने के वास्ते होने लगी चर्चा, बस मुसलमानों को देख के स्वामी जी फिर उस विषय पर चर्चा कुरान की शुरू कर देते हैं। सवाल किया परवरदिगार, तब जो है एक सवाल उन्होंने अल्लाह ताला का स्वरूप का क्वेश्चन किया, हमारे तुम कहो और हमें तुम कुरान से समझाओ, कलमा रसूल का, तब जो है उन्होंने कहा जी अगर आप वह हैं तुम उसे कलमा कहो, तब स्वामी जी ने कहा रे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, क्योंकि उस समय जो ही कलमा कह देता था वो समझते थे ये पक्का मुसलमान है, तो हम हो तुम्हारे, तब हम भी तुम्हारे जेर हो जाएंगे, चाहता था इतना ही वो चाहते थे, जबराइल इन समय, स्वामी जी को जो जोश है, जोश को जबराइल कहते हैं, श्री जी को बैठा जो, बस इतना जोश हृदय में बैठ गया, मेरे मोहम्मद बीच में, ये मेरे और मोहम्मद के बीच में कोई आ सकता है, मैं वही मोहम्मद हूँ, मैं ही अल्लाह ताला हूँ, मेरे साथ ही जबराइल असराफील आया हुआ है, कौन आवे बड़ा अफसोस, बड़े अफसोस की बात है, किसी की ताकत है वो आए हमारे बीच में, अव्वल खान के रूह पर, अल्लाह अव्वल खान के रूह पर पहचान की चोट लग गई, आए जबराइल ने आके जोश किया, आतंक को चोट लग गई, जोश देख काफर डरे, और जो को जोश देखे बाकी मुसलमान डर गए, करने लगे शोर, और कहने लगे आप हिंदू वैरागी होकर के जो है हमारा कुरान पढ़ते हैं, शराब कोई इजाजत नहीं देती है, समझने का जवाब है, तब उठ खड़े रहे, तब उठ के खड़े हो गए, विदा मांगी सबन, कहने लगे अच्छा हजूर हम जाते हैं, घरों जाए शोर किया, अब घरों का उकाजी जब गए ना वापस, उन्होंने जाकर के बादशाह को चिट्ठी लिख दी कि बादशाह सलामत एक कोई हिंदू वैरागी इस तरह से है, और है वो वैरागी लेकिन कुरान जो है और सारी तफसीरों की वो बातें करते फिरते हैं,
लगे निंदा करने मोमी और निंदा करने लगे। एक दिन किरण तन में, अब एक दिन जब किरण तन वहाँ पर हो रहा था तो राजा भी आ गया। राणा आया करण दीदार, कौन सा किरण तन था, कारी कांवरी रे मुख को प्यारी लगे। क्यों कारी कांवरी, एक तो तन को कहा है और एक कारी कांवरी फकीरी भेष को कहा है। क्यों कहते हैं सब श्रृंगार को शोभा देवे रचित वाद्यता। क्यों वो कारी कामरी का क्यों प्यारी है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कपड़े जब आदमी श्रृंगार दागने पहनता है तो पड़ोस में कोई गरीब बैठा ऊपर चल रही पीछे हट बैठ, नफरत जुदाएगी द्वैत बनता है। और जब एक जैसे हो गए, एक जैसा सिर घुटा है, एक जैसे कपड़े हैं, तो मिल एक दूसरे को मिलते कहते हैं हे कारी कामरी मुख को प्यारी लगे। इसलिए इस फेस को सादा सादगी स्वामी जी को बहुत पसंद है। अब राजा आया मुंह छुपा लिया के पंतों ने कहा था इनके दर्शन नहीं करने। देखा रासलीला विहार, रासलीला के भजन किरंतन हो रहे थे, खूब आनंद से खड़ा देखता रहा। इतना ही था अंकुर हाँ इतना ही उसके नसीब में था कि दर्शन करके किरंतन सुन गया। कहता लिया फल, इतना ही फल मिला उसको। आज्ञा थी तो लो, यहीं तक की आज्ञा थी, आगे हुक्म नहीं था क्योंकि अंकुर नहीं था। भई जैसी आता निर्मल, इतना ही उसको सुख मिला। इनो के दिल में शक रहे, अब इसके दिल में हमेशा शक रहता था। ईमान अव्वल खान, अब वो अव्वल खान जो था उसने आगे जब चट्टा सुनी उसको ईमान आ गया और तारतम ले लिया। 300 मस्करी करी, जान दो ये अव्वल खान कहाँ के रहने वाला था, औरंगाबाद का रहने वाला था। अब ध्यान रखना इसको भूलना नहीं, अब मुसलमान से मस्करी करते हैं जा रहे, ईमान का पक्का बना रहता है। एक हिंदू वैरागी के कदमों लग गया है तो जाके मस्करी करते हैं भाई, इनको पूरी पहचान, और इनको तो अव्वल खां को पूरी पहचान होगी कि यही आखरों जमा इमामंदी हैं। इन समय अमरा जी क्या करोगे, अमरा जी को मुझे तो रात हो चुकी है। इनों के दिल में शक रहे, गुरु श्री कान्हा जी प्यारे।